रणबीर कपूर की मूवी एनिमल का क्रेज लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। मूवी का धुआंधार प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर जारी है और लगातार कई रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। रिकॉर्ड्स की बात करें तो आपको बता दें, ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ए रेटेड फिल्म बन गई है और पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली नॉन हॉलीडे रिलीज फिल्म बनी है। साथ ही आपको बता दें, ये फिल्म रणबीर के करियर की भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। एनिमल की परफॉर्मेंस बॉक्स ऑफिस पर हैरान करने वाली है। फिल्म ने रिलीज के 11वें दिन 13 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया है, तो वही फिल्म ने 12वें दिन 19 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। अगर फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इसने रिलीज के 10 दिनों में 757 करोड़ 73 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। बता दें, अगर ये फिल्म बुधवार को वर्ल्ड वाइड 16 करोड़ रुपए का कलेक्शन और करती है तो ये फिल्म आमिर खान की पीके को भी पीछे छोड़ देगी और इस दौरान ये फिल्म दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों की लिस्ट में छठे नंबर पर शामिल हो जाएगी। फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल, अनिल कपूर और तृप्ति डिमरी ने अहम रोल प्ले किया है। ये फिल्म संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट की है। बता दें, भारत के अलावा ये फिल्म ओवरसीज मार्केट में भी गजब की कमाई कर रही है। फिल्म ने 12 दिनों में कनाडा में 5.28 मिलियन डॉलर यानी 44 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है और इसके साथ ये फिल्म कनाडा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले शाहरुख की फिल्म जवान को भी पीछे छोड़ दिया है और दूसरे नंबर पर आ गई है। बता दें, जवान ने कनाडा में 5.27 मिलियन डॉलर का बिजनेस किया था जबकि एनिमल ने 5.28 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया है। अब एनिमल कनाडा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी भारतीय फिल्म बन चुकी है। फिल्मों से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। शुक्रिया।